गुड आफ्टरनून बच्चों, आज 20 अप्रैल संडे के दिन आप लोग के क्लास नहीं आए थे। मंडे टू सैटरडे अपने ये क्लास चलेंगे। काफी सारे बच्चों ने कमेंट्स में अपना नाम लिखा है और भी बच्चे हैं जो नहीं लिख रहे हैं, उनको लिखना चाहिए। 7-8 मेंसुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे और आज उस चैप्टर में और आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5/4 इट्स लेंथ, हाफ द एरिया ऑफ द प्लॉट इज कवर्ड बाय ए प्लेग्राउंड whose area is 245 meter square, what is the length of the plot? Length पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लेंथ बताओ कितना होगा यदि किसी रेक्टेंगुलर का हाफ, या हाफ का मतलब आधा, 245 मीटर स्क्वायर एरिया है और लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 फॉन्ट्स ज्यादा है। हमने एक पिक्चर बना दिया, लेट बी ब्रेथ इज एक्स, तो लेंथ इज एक्स का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एक्स। हाफ एरिया दिया हुआ है 245 मीटर स्क्वायर, तो फुल एरिया कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 490 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 5x मल्टीप्लाई एक्स, यानी एल में भी एरिया दिया हुआ है, हमने एरिया के जगह लिख दिया 5xx2। एक्स स्क्वायर यही रह जाएगा, 5 से डिवाइड देंगे 98 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर 98। जब 98 का रूट निकालेंगे एलसीएम तो 2 बार में जाएगा 49, फिर 7 बार से फिर 7, यानी 7 2 बार आ गया, 2 1 बार, तो 2 अंक का जब पेयर होता है उसे हम बाहर निकाल लिए और जो पेयर नहीं बना उसको अंदर कर दिया, यानी 7√2 मीटर। अब कहता है कि लेंथ बताओ, लेंथ तो लेंथ यहां पे दिया हुआ है 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू डालेंगे 7√2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 35√2 मीटर, यही इसका लेंथ है और यही रहेगी। ओके, थोड़ा नजदीक से क्वेश्चन दिखाई आप थोड़ा जरूर दीजिए, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज का। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन दिस इट्स एरिया। कहता है यदि किसी रेक्टेंगल का प्रत्येक साइड 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, यही क्वेश्चन है। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया और मान लिया लेट बी एल इज इक्वल टू के, दिया नहीं है मैंने माना है, कुछ मानना पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, और बी हमने माना 5 मीटर, तो एरिया कितना होगा 10+5 50 मीटर स्क्वायर। उसी तरह अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल को 20% और बी को 20% बढ़ा दिया, 10+10 का 20%, जब काटेंगे तो 2 आएगा और 12 मीटर हो जाएगा, और बी में 5+5 का 20% जब काटेंगे तो 1 आएगा और 5/6 मीटर हो जाएगा, तो इसके एरिया निकालेंगे 12 × 6 = 72 मीटर स्क्वायर, इधर 50 है इधर 72 है, तो इंक्रीज एरिया कितना हुआ 72 − 50 22 मीटर स्क्वायर, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज भाई नंबर तुमने 100 बढ़ा टोटल नंबर 22 बढ़ा तुमने 100 और अकॉर्डिंग ये पहले वाले से कंपेयर कर रहे थे, टोटल नंबर में आ गया, काटने के 2 बार में 22 से गुणा करेंगे 44%, यानी कि अगर किसी रेक्टेंगल के साइड को एक साइड को 20% इंक्रीज करेंगे तो इसका एरिया 44% इंक्रीज हो जाएगा, यही गाइडेंस है। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। कहता है 3 साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर फ्रेश, द लेंथ ऑफ ओपन साइड इज 20 फीट, इफ एरिया ऑफ द फील्ड इज 680 फीट स्क्वायर, देन हाउ मेनी फीट ऑफ
फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल फील्ड है और एक तरफ ओपन है साइड। ये देखिए मैंने इधर नजर नहीं खींचा, ये ओपन साइड है और ओपन साइड का साइज दिया हुआ है, यहां पे डायमेंशन दिया है 20 फीट, ओपन साइड का लेंथ दिया है। साथ में कहता है कि इसका एरिया 680 फीट स्क्वायर है, तो इसका फिनिशिंग पैरिमीटर होता, तो इसके पैरिमीटर और बाकी के पैरिमीटर में यह अंतर है कि इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्राउंड है कि 3 साइड से बंद है और 4th साइड ओपन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे 680 फीट स्क्वायर, ओपन साइड 20 फीट, यानी ये ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गया, इधर 20 तो इधर भी 20, तो एल हम निकालेंगे, एल बराबर फॉर्मूला होता है एरिया बाई ब्रेथ। एरिया 680 और 20 से भागा देंगे, काटेंगे तो 34 आएगा, 34 फीट। तो पैरिमीटर 3 साइड का निकालना है, तो याद रखिए ये 34 हो गया, ये इधर 20, इधर 20 और ये 30, और इसको तो जोड़ना नहीं है, तो हम अलग अलग जोड़ेंगे, पैरिमीटर फिनिशिंग रिक्वायर्ड बराबर 34 प्लस 20 प्लस 34, राइट आंसर 88 फीट। ओके, चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश इज राइडिंग ए बाइसाइकल अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ही स्टार्ट फ्रॉम ए कॉर्नर ए एंड आफ्टर हाफ एन आवर रीच टू कॉर्नर सी विच इज डायगोनली अपोजिट टू ए। वी मेंटेन ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। इसका मतलब समझिए, स्क्वायर फील्ड है और ये चलना चालू करता है ए से और डायगोनली चलता है और यहां से वो इस तरीके से सी पे आ जाता है। जब आता है तो इसे टाइम लगता है 30 मिनट्स, यानी हाफ एन आवर, हाफ एन यानी एक घंटा का आधा, 30 मिनट, और स्पीड है 8 किलोमीटर पर। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 30 मिनट में डिस्टेंस 4 किलोमीटर, क्योंकि एक घंटा में स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 4 किलोमीटर जाएगा, यानी ये डायगोनल का लेंथ हो गया 4 किलोमीटर। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल बराबर रूट टू गुने साइड, डायगोनल की जगह डायगोनल, रूट टू गुने साइड, तो साइड बराबर रूट टू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया 4/√2। अब कहते हैं इसका एरिया बताओ, एरिया बराबर साइड पे पावर 2, तो 4√2 पे पावर 2, 4 को तो 2 बार गुना करेंगे, देखिए रूट टू पे जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, जो 2 बार में कट जाएगा 4√2 जाएंगे, राइट आंसर 8 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम टेक 30 सेकेंड्स टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर मिनट। श्याम क्रॉस द सेम फील्ड इज 40 सेकेंड वॉकिंग अलॉन्ग इट साइड एट द रेट ऑफ 105 मीटर पर मिनट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। ये एक रेक्टेंगल है और राम और श्याम दो लोग हैं। पहले मैं राम की बात करता हूं, स्पीड दिया हुआ है 100 मीटर पर मिनट, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 60, 1 मिनट में 7 सेकेंड, और टाइम लगा 30 सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालेंगे 30 गुणे 100 बड़ा 7 50 मीटर, और ये डायगोनली गया है, यानी कि यहां से यहां का दूरी 50 मीटर हो गया। तो डायगोनल अब हम माने हैं कि लेट बी एल इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू वाई, तो डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला होगा डायगोनल बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस है। इस तरीके से
जहां 50 डायगोनल हम निकाल लिए बराबर एक से स्क्वायर प्लस आई है, जब रूट हटाएंगे तो 50 पे स्क्वायर बन गया, यानी एक से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2500 किया। यहां हमने एक से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लिया। अब आते हैं श्याम पे, श्याम पे टाइम लगता है 40 सेकेंड, स्पीड 105 मीटर पर मिनट दिया है तो 1 सेकेंड का स्पीड क्या होगा, 105 भागा 7, 40 सेकेंड उसको टाइम लगा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 40 गुणे 105 भागा 7 जब काटेंगे तो 70 मीटर आए। इस तरह से ये डायगोनल तो नहीं आता है, इससे रेक्टेंगल पे आता है, पर ये एल और बी पे दौड़ता है। तो हमारा सम ऑफ एडजस्ट साइड एक्स प्लस वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो दोनों का सम आ गया हमारा 70 मीटर। ये भी दूरी हमने निकाल लिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एल गुणे बी, तो एल हमारा एक्स है और बी वाई है, तो हमारा हो गया एरिया एक्स वाई, एरिया भी हम निकाल लिया। अब हम डालेंगे अल्जेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए को हमने एक्स मान लिया, बी को वाई है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देखिए यहाँ 2500 है, हमने 2500 लिख दिया, और एक्स प्लस वाई यहाँ हमने निकाला है 70, तो 70 में स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 में एक्स वाई को हमें निकालना है, एक्स वाई को वही लिख दिया, 70 को जब पूरा करेंगे तो 400 होगा, और बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, जब घटाएंगे तो ये माइनस 2400 हो गया और इधर बच गया है माइनस 2xy। तो जब माइनस माइनस दोनों तरफ तो प्लस हो जाता है और 2xy बचेगा तो 2 डिवाइड में आ गया, जब काटेंगे तो xy बराबर 1200 मीटर स्क्वायर है, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया 1200 मीटर स्क्वायर। ओके, तो पहले नजदीक से इनको क्वेश्चन एक बार और दिख रही है, बात करेंगे। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, पढ़ाई पे आप लोग पूरी तरह ध्यान दें और अपने टाइम को व्यर्थ न करना, क्योंकि लॉकडाउन लंबा है, आपका एजुकेशन बहुत पीछे हो जाएगा, सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए काफी सावधानी बरतें और समय का लाभ उठाएं। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, सारे टीचरों द्वारा जो अलग अलग पढ़ाया जा रहा है आपको, उन सारे विषय का, इंग्लिश का, मैथ का, सभी विषयों का आप पूरा आनंद लें और उसमें डूब जाए, ताकि कल जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको सिलेबस अपना आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए बच्चों आप हमारी बातों को ध्यान से समझें और पूरा इंटरेस्ट, मेंसुरेशन में आगे अभी और पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, 5-7 दिन चलेगा और ध्यान से पढ़ेंगे, और कमेंट्स में अपना वीडियो देखने के बाद नाम जरूर लिखें ताकि हमें अच्छी तरह अपडेट होते रहें, कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं। ओके, थैंक यू।